अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूपी के 27 MLC सीटों के लिए आज शनिवार को मतदान शुरू हो गया। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी जगहों के साथ ही मेरठ के 4 जिलों का मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। गर्मी को देखते हुए तमाम जनप्रतिनिधियों ने सुबह ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। मेरठ में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने मतदान करते हुए भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज की 100% जीत का दावा किया। इस मौके पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि टिकट तय होते ही धर्मेंद्र भारद्वाज की जीत तय हो गई थी। नामांकन के दौरान सुनील रोहटा ने तमाम त्रुटियां नामांकन पत्र में की थी, लेकिन प्रशासन ने दबाव में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। भाजपा ने भी अपनी जीत पाते हुए इस विवाद पर समय व्यर्थ नहीं किया। देखिए क्या कहा अमित अग्रवाल ने। क्या हमने हमारी जीत सुनिश्चित है। धर्मेंद्र भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और पहले दिन से जिस दिन से टिकट मिला है उस दिन से ही जीत सुनिश्चित है। और ये तो एक फॉर्मेलिटी है। चुनाव हम 9 जगह निर्विरोध जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 27 जगह मतदान चल रहा है। ये सीट पर भी निर्विरोध होना था, लेकिन आरओ ने निर्णय नहीं लिया। दो उसके अंदर गलतियां थी। एक व्यक्ति के दो बाप नहीं हो सकते। उसने अपने को दो बाप का बेटा बताया है। आवेदन पत्र में कोई और नाम है, एफिडेविट में कोई और नाम है, उससे भी अलग जाकर एफिडेविट जिस नाम से खरीदा गया वो सुनील लोटा का नाम नहीं है। एफिडेविट के पीछे जिस व्यक्ति का नाम होता है, वेंडर ने जिसको बेचा है वही व्यक्ति उस पर शपथ ले सकता है। प्रशासन नहीं, हमने चुनाव अधिकारी के सामने बात रखी थी। चुनाव अधिकारी ने उसको टिपिकल एरर माना और उसको अलाउ कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। हमने उसके निर्णय को स्वीकार किया। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है, इसलिए हमने उसको ज्यादा विवाद नहीं किया। क्या कहेंगे प्रदेश में जिस तरीके से बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की है, तो ये, 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 सीटों पर यहाँ पर क्या पूरी सीटें 36 भाजपा को आने वाली हैं। 12 साल बाद चुनाव हो रहा है, हमेशा ऐसे निर्वाचित होते रहे हैं। बिल्कुल आपके पूर्ण बहुमत विधान परिषद में होगा। न भूतो न भविष्यति, इतना बहुमत हमारा प्रचंड बहुमत विधान परिषद में होगा। अब कोई संवैधानिक बाधाएं हमारे काम में नहीं आएंगी। हमारा जो विधान सभा से पास होगा विधान परिषद में त्वरित अगले दिन ही सब पास हो जाएगा। वहीं MLC सरोजनी अग्रवाल ने यह कहा, जो उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी, वो बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं, उन्हीं को हमने वोट दिया। मैम, विधानसभा के बाद विधान परिषद का चुनाव है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, कितने मतों के साथ और कितने प्रत्याशियों के साथ आप सोच रहे हैं? देखिए जितनी सीटें हैं उनमें मैं समझती हूँ 328 से ज़्यादा सीट हम जीत जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सुशासन रहा है, जो सुरक्षा दी है, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की नीतियां हैं, तो उसके आगे कोई नहीं टिकेगा और हमारा प्रत्याशी बिल्कुल नहीं उठेगा। पर निश्चित तौर पे हमारा प्रत्याशी नहीं उठेगा। 1990 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है और विधान परिषद की तैयारियां, उस पर भी वही कहा मुझे अभी कहा उन्होंने। ये तो हमारी सरकार जो केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश में जो सरकार हमारी डबल इंजन की जो सरकार है उसका काम इतना अच्छा है कि जब भी कोई चुनाव हो रहा है तो हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और 38 साल बाद कोई सरकार जो रिपीट हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई, ये अपने आप में एक इतिहास है। क्योंकि 38 साल से ऐसा होता आ रहा था उत्तर प्रदेश में, कभी एक पार्टी की सरकार आती थी, कभी दूसरी पार्टी की सरकार आती थी। 38 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी फिर से जीती और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। इसमें योगी जी के द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों का, सुरक्षा का, सुशासन का सबका महत्व है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, उसको तो भगवान के आदेश की तरह जनता मानती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान और हमारे योगी जी का सुशासन, भगवान का दर्जा दे रही है। मैं नहीं दे रही हूँ, जनता कहती है। मैं तो मानती हूँ वो बहुत एक बड़े महान नेता हैं। वो इतने बड़े नेता हैं कि वो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान की तुलना। मैंने कहा जनता मानती है, मैंने कहा जनता, बहुत सारे जनता के लोग हमसे बोलते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।